राजस्थान में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है और अब भाजपा यहां पर सरकार बनाने की पूरी पूरी तैयारी में है। हालांकि विधायकों की शपथ ग्रहण अब तक नहीं हुआ, लेकिन अपने एक्शन में विधायक यहां पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। जयपुर की हवा महल सीट से चुने गए विधायक बाल मुकुंद आचार्य के गुलाबी नगरी में मास्क की दुकान पर अवैध रूप से बेचे जा रहे मास्क के पदार्थों को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने की पहले मांग की गई। इसको लेकर बकायदा उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराई, उनका वीडियो भी वायरल हुआ। और अब ऐसा ही एक मामला कोटा दक्षिण विधानसभा से सामने आया है, जहां के विधायक संदीप शर्मा ने कोटा के अधिकारियों को साफ तौर से चेतावनी दी है कि 3 दिन में अवैध मांस की दुकानें जो चल रही हैं, अवैध तरीके से जो भी मांस बेचा जा रहा है सड़कों पर, अवैध दुकानें जो लगाई जा रही हैं उनको बंद कराया जाए, और जो अवैध तरीके से मांस के पदार्थों को बेचा जा रहा है उस पर भी रोक लगाई जाए। अगर मांस की बिक्री पर जल्द से जल्द रोक नहीं लगाई गई तो फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, ये विधायक संदीप शर्मा की ओर से कहा गया है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा है कि शहर के मुख्य बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित मास्क की दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर 3 दिन में हटाने की कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं। किसी भी सूरत में थड़ी थैलों पर अवैध मास्क की बिक्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात भी संदीप शर्मा की ओर से कही गई है। विधायक शर्मा ने अपने सुभाष नगर स्थित कार्यालय पर नगर निगम और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश से विद्यार्थी कोचिंग प्राप्त करने के लिए कोटा आते हैं, जिसके कारण कोटा को शैक्षणिक नगरी के नाम से जाना जाता है। कोटा को एक स्मार्ट सिटी बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, उसको स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जाने की पूरी पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये खुलेआम अवैध तरीके से मास्क को यहाँ पर बेचा जा रहा है, अवैध अतिक्रमण यहाँ पर लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कोटा की छवि को नुकसान पहुँचाता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है कि बिना लाइसेंस के कई स्थानों पर खुले में मास्क की बिक्री से आम नागरिकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर एक के बाद एक भाजपा के विधायक अब इसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले बाल मुकुंद की ओर से, महाराज की ओर से ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन सामने आया, और अब कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने भी इस तरह की दुकानों को बंद कराए जाने और अवैध तरीके से मास्क के पदार्थों को बेचे जाने पर 3 दिन के अंदर अंदर रोक लगाए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।